के विरोध में हिंदुओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और गोपालगंज से लेकर पंचगढ़ तक हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह चले हुए हैं, इसलिए चले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में फूटा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू। हिंसा के खिलाफ मार्च, हिंदुओं ने मांगा इंसाफ। लाखों की भीड़ ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, हर जगह जो तस्वीरें आई वो वहाँ हिंदुओं की एकता और उनके ऊपर हुई बर्बर जुल्मों की कहानी को बयां कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सबसे बड़ा जन सैलाब चटगांव में दिखा। लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्म निरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तर अंचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आईं। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहाँ की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। याद रखना जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा।